शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम करोगी कन्नू से शादी, उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी? ये तो हमारा सौभाग्य होगा मम्मी जी, अगर आप उचित समझे तो। लेकिन अगर आपको हमारा प्रस्ताव सुनकर बुरा लगा होगा तो बच्चा समझकर हमें माफ कर दीजिए। तुमसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, बल्कि तुम तो हमें मुश्किल से उबारने की कोशिश कर रहे हो। मेरी कन्नू की शादी तुम जैसे हंसमुख लड़के के साथ हो जाए, इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या होगी? फिर भी हम इस बारे में थोड़ी सलाह करना चाहेंगे बेटा, थोड़ा वक्त दे दो हमको। हाँ क्यों नहीं, आप लोग जितना वक्त चाहिए उतना ले लीजिए, जो फैसला करना है कीजिए, लेकिन आपका फैसला तो हमें मानना ही नहीं। मतलब है कि इस बारे में सबसे अहम फैसला तो कनिका जी का होना चाहिए ना। मेरी मानिए, आप कनिका जी से पूछ लीजिए कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। कोई जरूरत नहीं है उससे पूछने की, जो भी फैसला हम करेंगे वो उसे मानना पड़ेगा। और हमने क्या फैसला किया ये हम उसे बता देंगे। लेकिन बेटा हमें थोड़ा वक्त दो, हम जल्दी तुम्हें अपना फैसला बता देंगे। जी मामी जी। आइए सब। बताइए क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? भाई मुझे तो लड़का अच्छा लगा और मुझे तो लगता है कि अपनी कन्नू को भी खुश रखेगा। तो कोई लड़की खुश नहीं रह सकती। अरे वो तो कन्नू को चैन की सांस तक नहीं लेने देगा, और वो बेचारी जिंदगी भर खुशियों का नाम सुनने को तरस जाएगी। आदि का नेचर इतना अच्छा है कि कन्नू की तो छोड़िए, हम सब बहुत खुश रहेंगे। माँ अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों की दवाई का खर्च बढ़ जाएगा। हाँ? वो क्या है कि आदि अपनी बातों से हंसा हंसा कर हमारे पेट में दर्द कर देगा। आदि जोक की तरह हर वक्त कन्नू का खून चूसता रहेगा, बेचारी तो शिकायत तक नहीं कर पाएगी क्योंकि आदि उसको इतना मजबूर कर देगा। नियति ये आप क्या कह रही हैं दीदी?
बताइए ना दीदी, बात क्या है? प्लीज दीदी, आपको इस तरह से देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं जाकर मम्मी जी को सब कुछ बता दूँ। नहीं नियति, माँ जी से कुछ मत कहना। नहीं कहूँगी, किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप बात तो बताइए, क्या बात है? मैं तुम्हें हमेशा कहती थी ना कि जो भी बात हो, जैसी भी बात हो, खुलकर सबको बता दिया करो। लेकिन जब मुझ पर बात आई तो मैंने क्या किया? जो बात मुझे शुरू में सबको बता देनी चाहिए थी, वो मैंने तुमसे और सबसे छुपाई ही ना। लेकिन ऐसी कौन सी बात है? हाँ माँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आदि जी तो बिल्कुल खुली किताब की तरह हैं, जो दिल में वही जुबान पर। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। जैसे उसकी लच्छेदार बातों का कोई अंत नहीं है ना नियति, वैसे ही उसकी गंदी करतूतों का कोई अंत नहीं है। एक बहुत लंबे और भयंकर कारनामों को अंजाम देता हुआ वो आज यहां तक पहुंच गया है। मानते हैं ना कि कन्नू को आदि से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रही हूँ नियति कि ये रिश्ता कन्नू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। और तुम इसमें मेरा साथ दोगी ना नियति? अब वक्त नहीं है दीदी, जो आप कहना चाहती हैं वो वक्त निकल चुका है, क्योंकि मम्मी जी को जो फैसला करना था वो तो कर चुकी हैं। तो ठीक है, मैं ये रिश्ता पक्का करती हूँ। और माँ जी कहा भी गया है कि अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। अब अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो आमने सामने लड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, आपको भी छद्म युद्ध लड़ना पड़ेगा, खेल खेलना पड़ेगा पूरे छल बल के साथ। मैं जानती हूँ दीदी, छल आपके स्वभाव में नहीं है, लेकिन यहाँ पर मामला परोपकार का है, इसलिए युद्ध तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। और ये कोई पाप नहीं है, बाली को मारने के लिए भगवान राम को भी छुपकर बाण चलाना पड़ा। और फिर हम तो इंसान हैं, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूं ना आपके साथ, आपकी हनुमान। हाय हाय मोरी रानी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने कोई सपना देखा और वो पूरा होने वाला है। जियो आदि महाराज, जियो कन्नू रानी। हमें नहीं पता कि तुम इतना आसानी से हाथ लग जाओगे, इसलिए तुम हमारा जुनून बन गए। हाँ पंडित जी, आज शाम के लिए कह रही हूँ मैं। और देखिए साथ में अपना ना पोथा पत्री लेकर आइएगा। वो क्या है कि कनिका के रिश्ते की बात चल रही है एक जगह। अरे हाँ हाँ, आप आइए तो सही, मैं बता दूंगी लड़का कहाँ का है और कौन है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। जयराम जी की।
देखो क्या है। ये देखो, इसका मतलब बुआ जी ठीक कह रही थी नियति, बस किसी भी तरह से स्वास्तिक ज्वेलर का पता लग जाए फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दीदी। ये कहो कि मेरे सिर पर लटकी तलवार हट जाएगी नियति। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब कोई लेकिन की जगह नहीं दीदी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी क्या बनाया जा रहा है इस घर के दामाद के लिए? कोशिश तो हमने बहुत की थी कि तुम्हें अपना परमानेंट एटीएम बनाए रखे। तुमसे तो कमाई की उम्मीद बची नहीं थी, तो लिहाजा हमने इधर उधर ध्यान देना शुरू किया और पाया कि लोग ऊपर वाला हमें बादाम खिलाना चाह रहा है और हमें की चने के चक्कर में लाइफ बर्बाद किए जा रहे हैं। अब हमारा नया एटीएम कनिक्का है, फॉर्म तो हमने भर दिया है, बहुत जल्द बैंक से एटीएम भी मिल जाएगा हमें। और हाँ, घर के दामाद के लिए कुछ अच्छा पेश किया जाए, हम वेट कर रहे हैं। तुम पैसों के खातिर एटीएम बदलते वादे, लेकिन मैं रिश्तों के लिए इंसान, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो। थोड़ा सा इंतजार और कर लो, मैं तुम्हें बदलूंगी नहीं बल्कि मिटा दूंगी। इस विवाह में बहुत अड़चन आती दिखाई दे रही है। पंडित जी कोई उपाय बताइए ना। देखिए ये लड़का है ना हमें बहुत पसंद है और ये लड़का हमारी कनिका के लिए बहुत अच्छा है। हाँ पंडित जी, और फिर पंडित जी आप तो ग्रहों की दशा भी तो बदल सकते हैं, ऐसी अड़चनों का कोई ना कोई उपाय तो होगा ना आपके शास्त्र में। आप कुछ भी कीजिए, अब पूजा पाठ के लिए जितना भी खर्चा आएगा हम करने को तैयार हैं। ये लोग कह रहे हैं लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन ये पत्रिका तो कुछ और ही कह रही है। आपने इस लड़के के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल तो कर ली होगी ना? हाँ पंडित जी, उसकी हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। लड़का है ना, कमाता बहुत ज्यादा नहीं है, पर उसका स्वभाव और उसका चाल चलन बहुत अच्छा है। क्या करूं, ये लोग कुछ और कह रहे हैं और यहाँ ग्रह नक्षत्र कुछ और ही बता रहे हैं। पंडित जी आप क्या सोच रहे हैं, सब ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा यजमान, बस शादी के समय फेरों से पहले एक विशेष पूजा करानी पड़ेगी, फिर सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। किंतु आपको अपनी बेटी की शादी 20 दिन के अंदर करानी पड़ेगी और 10 दिन के अंदर मंगनी करनी पड़ेगी। अरे पंडित जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, है क्यों जी? हाँ हाँ पंडित जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जल्द से जल्द बता दीजिए कि सगाई कब कराएं और शादी का मुहूर्त आप कब का निकालेंगे। वो मैं अच्छी तरह से पत्रिका अध्ययन करने के बाद ही आपको बताऊं।
पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा, अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए बस। अवश्य यजमान। तुमने उस दिन मुझसे एक वादा किया था जो मैं आज तोड़ रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूँ, आपके खिलाफ कुछ भी। तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो। जानते तो आप भी मुझे अच्छी तरह से। सोच लो, बिना सोचे समझे कुछ भी करके तुम और भी नुकसान में पड़ सकते हो। नफे नुकसान की सोच कर कुछ भी करने वाले सौदागर होते हैं, और मैं आपकी तरह व्यापारी नहीं हूं। तो क्या हो तुम, प्रेम पुजारी? ये मोहब्बत तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। अंजाम की सोचने वाले मोहब्बत नहीं किया करते, रिश्तों की सोचने वाले उनकी कीमत नहीं लगाया करते। तो तुम नहीं बदलोगे। आप ही क्यों नहीं समझ जाते? ठीक है बरकरार, फिर नतीजे के लिए तैयार हो जाओ। हम तो पहले से ही सर पे कफन बांध के चलते हैं। तैयार तो आपको हो रहा है। अब क्या कहूँ मैं तुम्हारे सड़ियलपन पर, तुम्हारा तो वक्त ही खराब चल रहा है। आप अपने वक्त के बारे में सोचिए। आपको कहाँ ले जाके पटकेगा, ये सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। समझ गए मिस्टर चौधरी और पीएसपी साहब? जी जी हाँ, मैं बनारस वाले आदित्य की ही बात कर रही हूँ। नाम मत लीजिए उस कमीने का। हमारे यहाँ पूरे 10 लाख का घपला करके भागा है वो कमबख्त। मिल जाए तो हड्डियां तोड़वा देंगे हम उसकी। आप कौन? 10 लाख? दस लाख का मतलब? नियति, वो कह रहे हैं कि आती वहां से 10 लाख का घपला करके भागा। 10 लाख? वो उन्हें मिल गया तो वो उसकी उसकी हड्डियां। मैं उन्हें बता देती हूँ कि क्या आदि यहीं पर है। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। आदि अलर्ट हो जाएगा। अगर आदि सचमुच उतना ही शातिर है जितना कि आप बता रही हैं, तो वो हमसे पहले इस बात का तोड़ निकाल लेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे लगता है दीदी कि हमें अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए पहले इस आदि के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहिए। और मुझे यकीन है दीदी कि उसके खिलाफ सबूत उसके ही करतूतों के रिकॉर्ड से ही मिलेंगे, और वही सबूत हमारे काम आएंगे, देखना। और जब खुद उसका अतीत उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए उसके सामने आकर खड़ा होगा ना, तब नहीं मुकर पाएगा। जस्ट मारकर अपनी असलियत कबूल करेगा सबके सामने। तुम ठीक कह रही हो नियति, अगर हमें अपनी कन्नू की जिंदगी आदि से बचानी है तो हमें यही करना होगा।